डोकलाम के मुद्दे पर भारत के सामने अब चीन की एक नहीं चल रही और ऐसे में बौखलाया चीन हर हरकत कर रहा है। अभी हाल ही में चीन की एक और ऐसी हरकत का खुलासा हुआ है जिसे सुनकर सब हैरान हैं। moneybhaskar.com वेबसाइट के मुताबिक भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को चोट पहुंचाने के लिए चीन के हैकर्स ने GST की वेबसाइट पर निगाहें गड़ा दी हैं। वो उसे हैक कर भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। इतना ही नहीं, इस काम में चीनी हैकर्स के साथ साथ पाकिस्तानी हैकर्स के शामिल होने की भी खबरें हैं। बताया जा रहा है कि 1 जुलाई को GST लॉन्चिंग से ठीक पहले भी वेबसाइट को हैक करने की जबरदस्त कोशिश हुई थी, लेकिन मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से चीनी हैकर्स अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि GST के ऑनलाइन सिस्टम पर दोनों पड़ोसी देशों की तरफ से लगातार ऑनलाइन अटैक की कोशिशें चल रही हैं। GST के ऑनलाइन सिस्टम को अगर चीन के हैकर्स कुछ घंटों के लिए भी हैक कर लेते हैं तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा इसकी सिक्योरिटी के लिए GST पोर्टल पर 24 घंटे नजर रखने वाला एक सिक्योरिटी नेटवर्क भी बनाया गया है। पोर्टल पर 24 घंटे इस बात पर पैनी नजर रखी जा रही है कि ट्रैफिक कहां से आ रहा है। चीन के संभावित खतरे को देखते हुए साइबर सिक्योरिटी एजेंसी एक्स्ट्रा अलर्ट मोड पर है, क्योंकि भारत से जल भुन रहा चीन अब भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक गिर सकता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।